आज मैं मौजूद हूँ उत्तराखंड की राजधानी देहरादून यानी कि स्मार्ट सिटी के कैंट रोड पर। जी हाँ, मैं आपको बता दूं, मैं आज यहाँ गढ़ी कैंट रोड पर मौजूद हूँ, जो कहीं ना कहीं मसूरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला ये एक रोड है। और मैं आज आपको वो अनकट तस्वीरों से वाकिफ कराऊंगी जिससे शायद सरकार अभी कहीं ना कहीं सोती हुई दिख रही है। चुनाव आ चुके हैं लेकिन अभी भी सरकारों की नज़र शायद उस तस्वीर पर नहीं पहुंची जहां मेरी तस्वीर पहुंच चुकी है। मैं यहां से गुजर रही थी तो मेरी वो तस्वीर और मेरी वो नज़र इस चीज़ पर पड़ी जिस पर जनता और कहीं ना कहीं सरकार, सबसे पहले सरकार की ढिलाई उस पर मुझे देखने को मिली है। मैं चाहूंगी अपने कैमरा पर्सन से कि वो इस खूबसूरत रोड की तस्वीर दिखा दे पहले कि कितनी चकाचक ये सड़क बनी हुई है, कि बिल्कुल अच्छे मटेरियल के साथ, साफ सफाई के साथ ये कैंट रोड है और यहाँ मिलिटेंट एरिया है, RMC स्कूल यहाँ पर है और ये मसूरी विधानसभा के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र और ये रोड काफी पॉश एरिया के अंदर आती है और ये रोड काफी सुंदर दिख रही है। पर इस रोड के पीछे का आपको जो मैं अगर तस्वीर दिखाऊं तो आप भी हक्के बक्के रह जाएंगे। तो मैं चाहूंगी अपने कैमरा पर्सन से कि आप वो हकीकत दिखाए आपको कि किस तरीके से सड़क बनने के बाद जो हालात हो जाते हैं, ये मैं चाहूंगी कि मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखाए। ये है सड़क के पार वाली तस्वीरें, देख सकते हैं आप कि किस तरीके से ये एक नाला है जहां कहीं ना कहीं रुकावटें नजर आ रही हैं। यहां मुझे नाला दिख रहा है लेकिन ये नाला आगे जाकर कहीं ना कहीं चौक हो जा रहा है। यहां पर सड़क बनने के बाद जो है मलबा, जो आखिरी काम होता है, एक अच्छी चीज होती है कि सड़क बनने के बाद वो मलबा उठा लिया जाता है तो एक साफ सफाई से काम होता है, लेकिन यहाँ पर वो मलबा नहीं उठाया गया है, पत्थर ही पत्थर। और साथ ही साथ ये जो नाला है, मैं चाहूंगी कि ये तस्वीरें बनी रहे मेरे साथ कि किस तरीके से ये नाला आगे जाके चौके। यहाँ पर बारिश होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा होती है इस एरिया में और कहीं ना कहीं ये जो एरिया है, ये नाला है जो वो ओवरफ्लो हो जाता है बारिशों के समय पे, और कहीं ना कहीं जो ये सारा पानी है नाले का और मलबा है वो सड़कों पर आ जाता है और कहीं ना कहीं ये चीजें बहुत अनदेखी है, सरकार की नजरों से अभी भी दूर है। मैं आपको एक और तस्वीर दिखाना चाहूंगी कि किस तरीके से यहाँ पर ये नाला, पहले तो कंटिन्यूअस मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि इस नाले की तस्वीर क्या है, कि पहले यहाँ पर कुछ भी नहीं है, आगे जा जाकर ये नाला हर जगह से ब्लॉक हो रहा है, मतलब यहाँ से कोई प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम की सुविधा ही नहीं है। इसके बाद अब मैं आपको एक बहुत बड़ी तस्वीर से वाकिफ कराने वाली हूँ। मैं अपने कैमरा पर्सन से चाहूंगी कि वो उन तस्वीरों को दिखाए कि ये जो क्षेत्र है RMC क्षेत्र, RMC स्कूल के बिल्कुल जस्ट सामने का मैं आपको एरिया दिखा रही हूँ कि यहाँ आगे जाके जो ब्लॉकेज हुई है वो उसकी तस्वीर के उलट चीज क्या है। ये है एक बिजली का खंभा, मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि यहाँ आता है एक बिजली का खंभा जिसकी हालात मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ बड़े बड़े अक्षरों में खतरा, डेंजर, ये सब चीजें तो लिखी गई हैं, पर नीचे आके आपको दिखा दूं कि डेंजर के हालात क्या है। यहाँ पर रोज लोगों की आवाजाही होती है और परिस्थितियां कुछ ऐसी हैं कि अगर यहाँ पर रोड एक्सीडेंट भी हो जाए और इससे कोई टकरा जाए तो बहुत बड़े हादसे को अंजाम दिया जा सकता है। यहाँ पर लगातार जंगली जानवरों का आना जाना होता है, उनको भी इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा खतरा है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ कूड़े का ढेर भी लगा हुआ है, कहीं ना कहीं प्रशासन की ढिलाई, नगर निगम की ढिलाई यहाँ साफ देखी जा सकती है कि किस तरीके से यहाँ पर माहौल बना हुआ है। इसके विपरीत आपको ये सुनहरे अक्षरों में जो बोर्ड लगाया गया है नगर निगम द्वारा और सरकार द्वारा, तो मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ लिखा हुआ काली माता मंदिर गली नींबू वाला गढ़ी कैंट रोड। मैंने आपको पहले भी बताया कि गढ़ी कैंट रोड है और साथ ही साथ यहाँ के क्षेत्र विधायक मसूरी विधानसभा के अंदर जो विधायक हैं अभी, आप देख सकते हैं माननीय श्री गणेश जोशी जी, इतने सुनहरे अक्षरों में ये शब्द लिखा गया है, लेकिन जो माननीय जी की आपको दिखा दी कि हकीकत इस वक्त क्या है वो ये है कि माननीय जी का स्वागत और बोर्ड के नीचे क्या असल हकीकत है कि यहाँ पर कूड़े का ढेर लगा हुआ है। चारों तरफ आपको दिखा दूं मैं सड़क के हालात भी और कि यहाँ पर किस तरीके से मलबा जमा हुआ है। सड़क तो बना दी है लेकिन उसके बाद जो मलबा उठाने का काम है वो नहीं किया गया है, ना ही कोई प्रशासन द्वारा, ना ही कोई नगर निगम द्वारा। ये है एक गली, आप देख सकते हैं कूड़े का ढेर किस तरीके से लगा रहता है कि यहाँ पर लोगों की आवाजाही लगातार बनी रहती है, पर फिर भी हालात कुछ इस तरीके से। मेरे को यहाँ पर मजबूर होने पड़ा कि मेरे को यहाँ रुक के इस चीज़ को कवर करना पड़ा और वाकिफ कराना पड़ा सरकार को कि उनकी असल हकीकत क्या है।
मैं एक बार और चाहूंगी अपने कैमरामैन से कि वो इन तस्वीरों पर गौर करें जहां बड़े बड़े अक्षरों में डेंजर लिखा है, इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मर लगा है, उसके बावजूद बिजली विभाग की जिम्मेदारी बनती है, नगर निगम की जान इसमें भागीदारी बनती है कि वो इस चीज को अपने संज्ञान में ले और इस चीज पर जल्द से जल्द एक एक्शन ले कि किस तरीके से यहाँ पर जितने भी सब लोगों के कनेक्शन है बिजली के और इससे करंट वगैरह और भी सारे खतरे हैं, जानवरों को भी इससे खतरा है, आम जनता को भी इससे खतरा है, लगातार रोड एक्सीडेंट्स होते रहते हैं। और उस चीज़ को लेकर भी मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ जो कूड़े का ढेर भी लगा हुआ है काफ़ी ज़्यादा पॉश एरिया ये कहलाता है। और इसके अलावा आपको मैं बता दूं कि हमने लोगों से बातचीत करी है, लोगों का मानना ये है कि यहाँ के क्षेत्र विधायक ने विकास के नाम पर सिर्फ और सिर्फ गोलीबाजी की है। और भी कई सारी चीज़ें हैं जो हमने हकीकत आपको दिखाने की कोशिश करी है अपने इस विजुअलाइजेशन और अनकट वीडियो के साथ, क्योंकि अनदेखी तस्वीरें जो अभी सरकार के आगे हैं, सरकार कहीं ना कहीं इस चीज़ पर लापरवाही बरत तो रही है, लेकिन हम आपको ये सब हकीकत से वाकिफ कराने जा रहे हैं कि अगर सरकार चुनावी वादों को लेकर बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रही है, बड़ी बड़ी चीज़ों पर संज्ञान ले रही है और बड़े बड़े लोगों को मुद्दे दे रही है, रोजगार जैसे, बेरोजगार जैसे, पर लेकिन छोटे छोटे मुद्दों से बनकर ही एक बड़ा मुद्दा उत्पन्न होता है। स्वच्छ भारत स्वच्छ अभियान, ये आपने बीजेपी का मुख्य मुद्दा सुना होगा, लेकिन कहीं ना कहीं माननीय गणेश जोशी जी जो बीजेपी के विधायक हैं उनके हकीकत को जिस तरीके से है, जो उनकी पॉलिसी है स्वच्छता और स्वच्छ भारत, जो वो बहुत इस चीज़ पर ध्यान देते हैं, उसकी हकीकत यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बनी हुई है। मैंने आपको सड़कों का हाल दिखाया कि सड़कें अच्छी हैं, लेकिन उसके विपरीत जो हाल है वो भी मैंने आपको दिखाया कि किस तरीके से यहाँ गंदगी है, गड्ढे आप देख सकते हैं कि अगर ना चाहते हुए भी यहाँ एक्सीडेंट को अंजाम दिया जा सकता है। यहाँ पर सड़कों की ऊंच नीच आप देख सकते हैं कि इतना ज़्यादा डिफरेंस है इस सड़क के बीच में और इस सड़क के बीच में कि नॉर्मल अगर अंधेरे में, यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ कि स्ट्रीट लाइट भी अभी यहाँ पर कोई नहीं जल रही है, इतना टाइम हो गया है और इस टाइम तक स्ट्रीट लाइट जल जानी चाहिए और अंधेरा भी हो रहा है पर लेकिन स्ट्रीट लाइट्स नहीं है। तो मैं इस अनकट तस्वीर के साथ ही अपनी इस रिपोर्ट को खत्म करती हूँ। बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। नमस्कार।